हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस द डिसीज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो द लिम्स ऑफ रोग, यानी कि रोग कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, तो उसके ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ निदान पंचक। तो निदान पंचक एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसका रिविजन पार्ट ऑफ दैट निदान पंचक भी बनाया। ओके, तो निदान पंचक मीन्स वहाँ में फाइव फैक्टर होते हैं जो कि एक डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो फाइव फैक्टर का नाम ये रहता है कि दैट इज नथिंग बट निदान, पूर्व रूप, रूप एंड संप्राप्ति एंड उपचय। ओके, तो उनमें से जो दो मेन फैक्टर होते हैं वो उसमें से हमारा निदान और संप्राप्ति रहता है। ओके, तो एक एक डिसीज हम फ्रॉम दिस वीडियो हम एक एक डिसीज को पढ़ेंगे। ओके, तो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द ज्वर व्याधि। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ व्याधि। द मेन डिस्कस द मेन आवर टूडेज टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अ व्याधि। ओके, तो आउट ऑफ दैट नंबर ऑफ व्याधि यू नो दैट, तो हियर वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्याधि दैट इज कॉल्ड ज्वर। ओके, तो ज्वर जो व्याधि होती है ये व्याधि रस प्रदूषक व्याधि है, यानी कि ड्यू टू दैट दुष्टि ऑफ रस वह स्रोतस, यानी कि ड्यू टू दुष्टि ऑफ रस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज आद्य रस धातु। ओके, तो ड्यू टू विशेषण ऑफ रस धातु एंड ड्यू टू दुष्टि ऑफ रस वह स्रोतस, तो जो व्याधि होती है उसको हम बोलते हैं ज्वर व्याधि। ओके, तो फर्दर हम डिटेल में देखते हैं। ओके, फर्दर स्लाइड में आप को जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि रस दुष्टि रस वह स्रोत की दुष्टि, तो ये आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट वहाँ पे आप वेरी कर सकते हो। ओके, तो ज्वर, पांडु, आमुआत ये सभी रस वह स्रोत की दुष्टि के व्याधि होते हैं। ओके, तो उनमें से जो हम आज का जो हम पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम ज्वर व्याधि पढ़ेंगे। ओके, तो पांडु मतलब होता है एनीमिया, आमुआत मतलब वहाँ पे रिमिटेड अर्थराइटिस, जो कि हम मॉडर्न से रिजेंबल कर सकते हो। ओके, तो ज्वर जो व्याधि होती है मैंने यहाँ पे बताया रस प्रदूषक व्याधि होती है। रस प्रदूषण मतलब होता है कि वहाँ पे आप संप्राप्ति आप पढ़ोगे तो फर्दर स्लाइड में हम देखेंगे। तो संप्राप्ति में ऐसा रहता है कि वहाँ पे जो हम लिया हुआ जो आहार रहता है, यानी कि जो इंटेक जो हम करते हैं। ओके, तो जो भी हम आहार लेते हैं वो कन्वर्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कन्वर्ट होता है आहार रस में, यानी कि जब जो लिया हुआ आहार जठर अग्नि जो हमारे यहाँ पे आमाशय में जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो वहाँ पे जठर अग्नि एक वहाँ पे जो फूड के लिए डाइजेशन के लिए जो हेल्पफुल फैक्टर होता है, वहाँ पे जठर अग्नि और पाचक पित्त ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि कोई भी फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, जो जठर अग्नि होती है और पाचक पित्त होता है, अगर कोई जो आहार रस हम लेते हैं आहार रस का पाचन करने के लिए जठर अग्नि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम करता है। वो क्या करता है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रिक एसिड इम्पॉर्टेंट जूसेस को सीक्रेट करता है। ओके, तो व्हेन जो आहार हम लेते हैं अगर आहार लिया हुआ आहार अगर वो जठर अग्नि के जो सिक्रेशन होते हैं उसके साथ अगर कंबाइन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं आहार रस। ओके, तो इनमें से अगर कोई अगर ये दुष्टि हो जाती है, यानी कि आहार रस ही हमारा प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो ड्यू टू दैट इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ आहार रस या फिर इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ रस धातु, यानी कि आहार रस से ही रस धातु से रक्त धातु, रक्त धातु से फर्दर ऐसे टिल शुक्र धातु का निर्माण होता है। ओके, यू ऑल नो दैट कि फ्रॉम दैट क्षीर दधि न्याय, यानी कि रस से शुक्र तक जो सीक्वेंस बताई गई है धातुओं का, ऐसे ही सीक्वेंस में धातुओं की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो आहार रस इम्प्रॉपर रहता है वहाँ पे, उसकी दुष्टि हुई रहती है एंड ड्यू टू दैट वहाँ पे रस प्रदूषित व्याधि हो जाती है, यानी कि जो रस धातु होता है वही हमारा इम्प्रॉपर यानी कि अच्छे से नहीं बनता है। ओके, एंड जो रस वह स्रोत यहाँ पे जो लिखा हुआ है रस वह स्रोत मतलब होता है कि जो रस धातु जो बना हुआ है वो जिसके अंदर फ्लो होता है उसकी दुष्टि हो जाती है ड्यू टू दैट रस धातु की दुष्टि की वजह से। ओके, तो रस धातु जो बना हुआ रहता है जो उस चैनल में जो फ्लो होता है, ओके, तो ड्यू टू दैट जिसमें वो फ्लो होता है और जो फ्लो होता है, ओके, जो फ्लो होता है उस पर्टिकुलर चैनल में, तो ड्यू टू दैट उसकी वजह से क्या होता है स्रोत की भी दुष्टि हो जाती है। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है रस वह स्रोत की दुष्टि की वजह से वहाँ पे रस वह स्रोत की दुष्टि हो जाती है और वहाँ पे फर्दर ज्वर व्याधि और पांडु व्याधि यानी कि एनीमिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसे बहुत सारे डिसीज हमें देखे जा सकते हैं। ओके, तो ज्वर इज रिजल्ट ऑफ मेनी मोर डिसीज एज वेल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याधि होती है। ये एक ऐसा व्याधि होता है जो कि जो अलग अलग जो डिसीज बताए गए नेचर के अंदर, ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो मैंने भी बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओके, वहाँ पे संधिवात हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे शोथ व्याधि होती है। ओके, देन अगेन ट्यूमर यानी वहाँ पे हम गुल्म व्याधि पढ़ते हैं,
ओके, अतिसार, ओके, तो ऐसे बहुत सारे जो डिसीज बताए गए हैं उनमें से जो पहला व्याधि यानी कि एज अ सिम्टम, यानी कि जो व्याधि रहती है एज अ सिम्टम जो हमारा आता है वो ज्वर हो सकता है। ओके, तो वही यहाँ पे बताया गया, ज्वर एक अलग से व्याधि हो सकती है या फिर दूसरे व्याधियों का एज अ सिम्टम वहाँ पे ज्वर हो सकता है। ओके, तो ज्वर इज़ अ रिजल्ट ऑफ मेरी मोर डिसीज एज वेल। ज्वर जो जो वर्ड बना हुआ है वो ज्या प्लस वर, ओके, तो ज्या धातु और वर प्रत्यय लगाकर ज्वर ये वहाँ पे वर्ड बना हुआ है। ज्वर मतलब होता है फीवर, ओके, यू ऑल नो दैट फीवर, नॉर्मली यू ऑल नो दैट फीवर कैसे होता है। फीवर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या बिलीव रखता है कि वहाँ पे कोई पायरोजन यानी कि कोई एक्सटर्नल एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है एंड वो क्या करता है बॉडी के ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि जो हमारा जो ब्रेन होता है, ओके, तो उसके कोई भी जो ड्रग होता है या फिर कोई भी न्यूट्रिशन सप्लाई या फिर कोई भी जो मटेरियल होता है उसके सप्लाई होने के पहले वहाँ पे कोई बैरियर होते हैं, तो जो एंटीजन होते हैं जो एक्सटर्नल एंटीजन होते हैं बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को यानी कि जो बैरियर है ब्रेन को उस ब्रेन के सॉरी उस बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर जाते हैं और ब्रेन के अंदर जाने के बाद वो हाइपोथैलेमस को रेगुलेट करते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं और वो क्या करते हैं बॉडी का टेम्परेचर इन्हांस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइपोथैलेमस होता है बॉडी का वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और जो एंटीजन एक्सटर्नली जो एंटीजन एंटर कर रहा है बॉडी के अंदर वो बैरियर को क्रॉस करके वहाँ पे ब्रेन के अंदर घुसता है, ब्रेन के अंदर जाता है एंड वो क्या करता है हाइपोथैलेमस को फर्दर स्टिमुलेट करता है और वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, उसको हम ज्वर बोलते हैं, उसको हम फीवर बोलते हैं। एज इन मॉडर्न आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी वहाँ पे साइकिल नहीं होता, ऐसा कोई भी वहाँ पे पाथ नहीं होता, ऐसा कोई वहाँ पे प्रोसेस नहीं होता। ओके, यहाँ पे कुछ अलग ही तरीका होता है, वो हम संप्राप्ति जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा। ओके, तो ज्वर व्याधि कैसे प्रोड्यूस हुई, ज्वर व्याधि ऐसे एक मिथोलॉजिकल है कि वहाँ पे एक हिस्ट्री ऐसा बताई जाती कि दक्ष प्रजापति दैट इज़ नथिंग बट जो फादर थे किसके सती अनुसुईया के। ओके, तो वहाँ पे आप फर्दर ये स्टोरी आप देख सकते हो। ओके, तो ये मिथोलॉजिकल हिस्ट्री ऐसा बताया गया कि दक्ष प्रजापति जो थे वो उनकी जो डॉटर रहती हैं यानी कि सती अनुसुईया तो वो इन्वाइट नहीं करते, तो इन्वाइट नहीं करने की वजह से क्या होता है वो विदाउट इन्विटेशन दक्ष सती अनुसुईया वहाँ पे उनके जो कार्यक्रम था उनमें वो जाती हैं एंड जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है दक्ष प्रजापति जो उनके फादर रहते वो लॉर्ड शिवा के वहाँ पे उनका अपमान करते हैं, तो अपमान करने के बाद क्या होता है जो सती अनुसुईया रहती हैं वो हवन कुंड में ऐसे वो अपने आप को बर्न कर लेते हैं, वो जला लेती हैं। होता क्या है कि इससे जो लॉर्ड शिवा रहते हैं वो बहुत ही उनको गुस्सा आ जाता है। ओके, तो गुस्सा आ जाने के बाद जो उनका सेकेंड स्टेज रहता है यानी कि रुद्र, ओके, तो रुद्र स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉर्ड शिवा वो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ड्यू टू दैट प्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा जो उनका जो रूप होता है रुद्र रूप तो वो क्या होता है वो बहुत ही भयावह होता है। ओके, एंड ड्यू टू दैट वहाँ पे बहुत सारे युद्ध वगैरह यानी कि वहाँ पे ऐसे कुछ समथिंग होता है एंड ड्यू टू दैट ज्वर व्याधि ऐसे होती है ऐसा वहाँ पे बताया गया है। ओके, तो ये एक वहाँ पे एक ऐसा हिस्ट्री है, ओके, हाइपोथेटिकल एक हिस्ट्री बनाया गया है, दैट मे बी ट्रू दैट मे बी फॉल्स। ओके, यहाँ पे जो बताया गया वो मैंने शास्त्र में जो लिखा गया वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ दक्ष अपमान की वजह से यानी दक्ष प्रजापति के वजह से वहाँ पे ज्वर व्याधि हुई थी, रुद्र प्रकोप की वजह से हुई थी। ओके, जो सिनोनिम्स ऑफ ज्वर व्याधि जो होती है ज्वर के अलग अलग सिनोनिम्स हैं। ओके, तो तत्र व्याधि गद आतंको यक्षमा ज्वर विकार है ए नीति अनर्थरांध्रम। ओके, तो ज्वर व्याधि को हम व्याधि भी बोल सकते हैं, गद बोलते हैं, आतंको बोलते हैं, यक्षमा भी बोलते हैं ज्वर, ये तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, विकार भी बोलते हैं, रोग भी बोलते हैं और ऐसे बहुत सारे जैसे कि रोगपति इनका बोला यानी रोगों का राजा जो होता है वो ज्वरों को बोलते हैं यानी कि फीवर को बोलते हैं। ऐसे ओजो अशन ओजो क्षय, ओके, ऐसे बहुत सारे दक्ष ध्वंस और वहाँ पे एक ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जो कि ज्वर मेन व्याधि होती है, किसी भी व्याधियों के पहले आने से पहले ज्वर व्याधि आती है या फिर व्याधि अगर हो गई है किसी भी पर्सन को तो एज अ फर्स्ट जो फर्स्ट सिम्टम होता है पूर्व रूप और रूप ऑफ एनी डिसीजेस वहाँ पे ज्वर व्याधि हो सकती है। ओके, इसलिए इम्पॉर्टेंट डिसीज होती है ज्वर व्याधि, इसको अच्छे तरीके से डिटेक्ट करना हमारा वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है। ओके, तो तत्र व्याधि गत अंतको यक्षमा ज्वर विकार रोग इति अनंतरांतरम। ओके, तो
13 स्रोतस होते हैं, आई सी ऑल नो दैट। तो 13 स्रोतस के अंदर जो रसवह स्रोतस होती है उसकी दृष्टि होती है। कैसे दृष्टि होती है वो फर्दर आपको बताऊंगा मैं जब मैं संप्राप्ति डीलिंग करूंगा, ओके। तो उसमें इन सभी 13 स्रोतस की वजह, 13 जो स्रोतस होते हैं, जो चैनल्स होते हैं बॉडी के अंदर, इनमें से स्वेद वह स्रोतस और रसवह स्रोतस, ये दोनों की वहाँ पे विकृति होती है, इनमें दृष्टि होती है। और ड्यू टू दैट फर्दर जो प्रोसेस होता है, फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वहाँ पे ज्वर व्याधि का प्रोडक्शन होता है, ज्वर व्याधि वहाँ पे डेवलप होता है, ओके। तो ऐसे टोटल 13 स्रोतस होती हैं, प्राणवह स्रोतस, उदकवह स्रोतस, अन्नवह स्रोतस, रसवह स्रोतस, रक्तवह स्रोतस, मांसवह स्रोतस, देन अगेन मेदवह स्रोतस, अस्थिवह स्रोतस, देन वहाँ पे मज्जावह स्रोतस एंड शुक्रवह स्रोतस, ओके। तो रस टू रक्त, रक्त टू मूत, सॉरी रक्त टू देन कंटिन्यू विथ शुक्र, एंड शुक्र के बाद जो तीन मल बसते हैं, मूत्रवह स्रोतस, पुरुषवह स्रोतस और जो हमारे श्वेदवह स्रोतस, ओके। तो ये रसवह स्रोतस की व्याधि है, मेन रसवह स्रोतस की दृष्टि होती है, सम पार्ट ऑफ श्वेदवह स्रोतस इज ऑल्सो अफेक्टेड। तो दो स्रोतस की दृष्टि की वजह से यहाँ पे हमारा ज्वर व्याधि का उद्गम होता है, ज्वर व्याधि हमें देखने को मिलता है, ओके। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो कि स्रोतस के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ स्रोतस, टाइप ऑफ चैनल्स, तो टोटल 13 टाइप ऑफ चैनल वी हैव इन बॉडी, ओके। तो आउट ऑफ दैट जो रसवह स्रोतस होता है इनमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है, इनमें दृष्टि होती है, इनमें पर्टिकुलर हैम्परिंग आती है, एंड ड्यू टू दैट रिजल्ट होता है जो ज्वर एक व्याधि आती है, ओके। तो रसवह स्रोतस का जो मेन दृष्टि का जो कारण होता है वो ये कारण होता है। हम फर्दर ज्वर के भी कारण पढ़ेंगे कि ज्वर कैसे होता है, लेकिन आप वहाँ पे दोनों जब कारण जब इक्विवेलेंस आप देखोगे उनका, दोनों बहुत ही एक इक्विवेलेंट के रहते हैं, यानी कि आप ये देख सकते हो कि इनका जो कारण होता है रसवह स्रोतस के जो दृष्टि का जो कारण होता है, जो रसवह स्रोतस मैं बता रहा हूँ आपको कि घड़ी घड़ी कि दैट इज़ नथिंग बट द रसवह स्रोतस की दृष्टि का जो व्याधि होता है उसको हम ज्वर बोलते हैं, ओके। पांडु होता है, आमवात होता है। तो ये हुई कैसे, इसकी दृष्टि हुई कैसे, तो कंजप्शन ऑफ गुरु शीत अति स्निग्धम अति मात्रम समस्तातम रसवाहिनी दुष्यंति चिंतनम अति चिंतनम, ओके। तो इन सभी कारणों के वजह से रसवह स्रोत की दृष्टि होती है, और रसवह स्रोत की दृष्टि होती है होने के बाद वहाँ पे ज्वर व्याधि देखने को मिलता है, ओके। तो गुरु गुरु मीन्स जो हैवी फूड अगर पर्सन ले रहा है, लॉन्ग टाइम से हैवी फूड ले रहा है, शीत फूड यानी कि कोल्ड फूड को ले रहा है, यानी कि जो उष्ण भोजन लेने का जो वहाँ पे दिनचर्या के अंदर लिखा गया है, तो वो अगर नहीं ले रहा है, शीतपूर्वक आहार ले रहा है, शीत पेय का अगेन एंड अगेन वो सेवन कर रहा है, अति स्निग्ध वहाँ पे कंजप्शन ऑफ ऑयली फूड्स, द मोर कंजप्शन ऑफ ऑयली फूड्स स्निग्ध पदार्थ, ओके। अति मात्रा यानी कि जो यहाँ पे जो मैंने बताया गुरु अति मात्रा वाले फूड ले रहा है, यानी कि गुरु जो हैवी फूड है वो अति मात्रा में ले रहा है, शीत वाले फूड जो है अति मात्रा में ले रहा है, और अति स्निग्धम ये अति मात्रा में ले रहा है। समंसातम मतलब लिखा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। तो इन सभी का जो प्रॉपर क्वांटिटी में ना लेते हुए इम्प्रॉपर क्वांटिटी में अति मात्रा में ले रहा है, इनके वजह से रसवाहिनी दुष्यंती। और एक कारण बताया गया है चिंतानाम अति चिंतनम, अगर पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में, या फिर वो बहुत हमेशा वो चिंतन कंडीशन में रहता है, यानी कि हमेशा वो थिंकिंग करते रहता है, तो इसके वजह से भी ज्वर व्याधि यानी कि रसवह स्रोत की दृष्टि हो सकती है, एंड अल्टीमेटली उस स्रोत की दृष्टि होने की वजह से ज्वर व्याधि देखने को मिलता है, ओके। तो रसवह स्रोत की दृष्टि होने के बाद इनके जो लक्षण दिखाई देते हैं हमें, वहाँ पे एक श्लोक है, तो यहाँ पे मैंने वो श्लोक को पुटअप नहीं किया है, दैट इज नथिंग बट अश्रद्धाश रुचिष्य आस्य वैरस्य अरसजता हल्लासो गौरव तंद्रा स अंग मर्द ज्वरस्तम। देन अगेन फर्दर एक श्लोक आता है कि पांडुत्तम स्त्रोतसाम रोध क्लाब्यम शाद कृषांगता नाशो अग्नि यथाकालम वले पालिता नीचे, ओके। तो ऐसा 4 लाइन का एक समथिंग श्लोक है, तो मैंने यहाँ पे अभी वो श्लोक यहाँ पे नहीं दिखाया, तो आप श्लोक बुक से रेफर कर सकते हो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारा ज्वर व्याधि को डीलिंग करना है, ओके। तो इसलिए मैंने वो श्लोक नहीं दिया। तो स्त्रोत के दृष्टि होने की वजह से जो उनका मेन लक्षण होता है, कि जो मैंने अभी जो श्लोक बोला उसी श्लोक में जो फर्दर जो लक्षण होते हैं वो हमें ज्वर व्याधि में भी देखने मिलते हैं, ओके। अल्टीमेटली स्रोतस की दृष्टि की वजह से ही ये लक्षण जो देखने को मिलते हैं, जो जिसका मैंने अभी श्लोक बताया अश्रद्धा से अरुचिष्य आस्य वैरस्य अरसजता, ओके, एंड सो ऑन। तो इनमें से जो बहुत ऐसे लक्षण होते हैं जो ज्वर व्याधि में देखने को मिलते हैं, अल्टीमेटली ड्यू टू दैट
विशेषण ऑफ रसवय स्रोत की वजह से जो व्याधि हो रही है, तो इनके जो लक्षण आते हैं वो ज्वर व्याधि में देखने को मिलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी व्याधि को जो हम डीलिंग करेंगे, तो आज का जो व्याधि का जो हम डीलिंग करेंगे वो हमारा ज्वर व्याधि है, यानी कि ज्वर रोग को हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी डिसीज़ को, किसी भी रोग को डिस्कस करने से पहले हम किसी भी डिसीज़ को डिस्कस रोग को डिस्कस करते समय हम ये पॉइंट्स के थ्रू जाएंगे। ओके, तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे, इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी कि वो डिसीज़ कैसे हुआ, ओके, यानी कि निदान ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज़, संप्राप्ति देखेंगे, पैथोजेनेसिस कैसे वो डिसीज़ का साइकिल क्या है, ओके, कैसे वो डिसीज़ प्रोड्यूस कैसे हुआ, ओके, देन पूर्व रूप देखेंगे, डिसीज़ प्रोड्यूस हो गया यानी कि डिसीज़ प्रोड्यूस होने से पहले पेशेंट के अंदर किसी पर्सन के अंदर प्रोडर्मल फीचर क्या होते हैं, वहाँ पे पूर्व रूप क्या होता है, ओके, देन रूप हम डिस्कस करेंगे, देन पैथोजेनेसिटी यानी कि साध्य असाध्यत्व को डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक एक फर्दर पॉइंट्स के हम यहाँ पे जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पे जाएंगे। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ ज्वर, तो ज्वर यति संताप यति शरीर आणि यति ज्वर, ओके, तो डेफिनेशन ऑफ ज्वर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ज्वर यति संताप यति शरीर आणि यति ज्वर, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ऑफ बॉडी इलिवेट हुए रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वर व्याधि बोलते हैं। ओके, तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी दैट इज कॉल्ड संताप और ज्वर। तो आचार्य चरक जो थे, यानी कि जो बृहत के जो तीन आचार्य थे, आचार्य चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट, तो आचार्य चरक ने वहाँ पे कभी जो संताप होता है वो सिनोनिम्स बताया ज्वर का, कभी उन्होंने लक्षण बताया ज्वर का। ओके, तो वो श्लोक के वाइस वहाँ पे आप मीनिंग समझ सकते हो कि संताप वहाँ पे सिनोनिम्स है या फिर लक्षण है। ओके, यहाँ पे जो ज्वर है संताप है शरीर आदि ज्वर है, ये यहाँ पे लक्षण बताया गया है। ओके, ज्वर में संताप यानी टेम्परेचर आता है एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वर व्याधि बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट फर्दर ऐसे बहुत इनके डेफिनेशन बताए गए, यानी कि ज्वर के डिफाइन करने का तरीका बताया गया। ओके, तो ज्वर यति संताप इति देह मानस, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और मानस का टेम्परेचर, मानस का टेम्परेचर मतलब मेल्टन टेम्परेचर। ओके, तो हमारे जो कोई भी जो व्याधि होती है ये बिना दो, यानी कि शरीर और मानसिक। ओके, तो किसी भी व्याधि को ट्रीट करते समय हमें दो फैक्टर यानी कि दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दैट इज समथिंग मतलब शारीरिक के अंदर तो व्याधि रहती है लेकिन मानसिक के अंदर भी व्याधि हो सकती है, यानी कि मानस जो हमारा मेन फैक्टर होता है जिसे हम मन बोलते हैं। ओके, तो मन को भी किस वे में उसको ट्रीट करना है, उसका किस तरह उसका पैटर्न होता है, उसके क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ओके, तो इसको भी आपको मालूम होना जरूरी होता है। ओके, तो यानी कि ज्वर जो व्याधि होती है यहाँ पे टेम्परेचर आप जो टच करते हो, ओके, बाय वहाँ पे जो सेंसेशन होता है, ओके, तो जो आप टच करके बाय बॉडी टच, ओके, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर एलिवेटेड जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वहाँ पे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके, लेकिन जो मानसिक जो वहाँ पे संताप होता है यानी कि मेंटेन टेम्परेचर जब हाई होता है तो उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो एक फिजिशियन को आना चाहिए। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, ज्वर यति संताप यति देह मानस, ज्वर व्याधि में दोनों के अंदर टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, हमारे शारीरिक टेम्परेचर भी बढ़ी हुई रहती है यानी बॉडी टेम्परेचर एंड अलॉन्ग विद दैट मेल्टन टेम्परेचर भी इलिवेट हुआ रहता है। ओके, तो ज्वर प्रति आत्मिकम लिंगम देह मानस। ओके, तो वही ज्वर जो व्याधि है वो देह और मानस में देखने को मिलता है। ओके, तो फैक्टर अफेक्टेड टू माइंड, अगर अभी जस्ट मैंने बताया कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि माइंड में कोई एलिवेटेड टेम्परेचर है या नहीं, तो यहाँ पे लक्षण बताए गए, इनसे आप समझ सकते हो कि हाँ भाई कि वहाँ पे एलिवेटेड टेम्परेचर जो है वो माइंड में पहुँच चुका है। ओके, यानी कि टेम्परेचर ऑफ माइंड भी एलिवेट है। तो वैचित्यम अरति ग्लानि संताप लक्षणम, ओके, मन संताप लक्षणम, तो वैचित्यम यानी कि थिंकिंग हम, यानी कि पर्सन की जो थिंकिंग है वो बहुत बढ़ गई है, वो बहुत ही सोचने लगा। ओके, तो वैचित्यम अरति मतलब वहाँ पे ऐसा बोलते कि बेचैनी, हम एक हिंदी लैंग्वेज ऐसे बोल सकते हैं कि वो अपने आप को एक स्टेबल नहीं फील करता। ओके, ग्लानी मतलब एक उसको गिडीनेस जैसी, चक्कर जैसी फीलिंग आती है। ओके, तो ये से भी अगर लक्षण आ रहे हैं तो ऐसा हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो नॉट ओनली बॉडी टेम्परेचर, वहाँ पे मेंटल टेम्परेचर भी हाई हो चुका है। ओके,
अभी शारीरिक टेम्परेचर हाई है तो ये हम बाय टच एक्सप्लेन बाय टच हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे श्लोक के थ्रू भी बताया गया है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। इंद्रणाम च वैकृतम गेयम संताप लक्षणम। ओके, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, अगर सेंसरी ऑर्गन अपना प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तो ऐसे हमें जानना चाहिए, ऐसे हमें समझना चाहिए कि हमें बॉडी में टेम्परेचर है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर इलेवेट हो गया। समटाइम ऐसा होता है कि हमें व्याधि रहती है, ज्वर व्याधि रहती है, टेम्परेचर नहीं रहता है, यानी कि बाहर के टेम्परेचर से हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि हमें ज्वर व्याधि है या नहीं है। लेकिन ये जो लक्षण बताए गए हैं, इंद्रणाम च वैकृतम गेयम शरीर संताप लक्षणम। ओके, तो हमें संताप है, हमें फीवर है, ऐसा हम वहाँ पे रिजल्ट बोल सकते हो। ओके, तो इंद्रणाम यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, त्वक इंद्रिय, ओके, जितने भी ऐसे पांच इंद्रिय होते हैं, फाइव सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, अगर वो प्रॉपर वर्क अपना नहीं कर रहे हैं उनको, जैसे कि चक्षु इंद्रिय होती है तो चक्षु इंद्रिय अपना जो इनके जो विषय होते हैं वो अपने विषय की तरफ प्रॉपर अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ओके, या फिर वो इनका प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है, या फिर वो हैवीनेस फील कर रहे हैं, तो ये से भी अगर वहाँ पे फैक्टर दिखाए जाते हैं, यानी कि पर्सन्स को वहाँ पे जो कोई व्यक्ति है उसको संताप, यानी कि बॉडी टेम्परेचर इलेवेट हुआ है, ऐसा हमें जानना चाहिए। ओके, तो फैक्टर अफेक्टेड टू शरीर एंड फैक्टर अफेक्टेड टू माइंड, ये सभी के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि देह और मानस दोनों में बॉडी टेम्परेचर, देह और मानस में दोनों में टेम्परेचर इलेवेट हुआ। ओके, तो यहाँ पे टाइप बताया गया, हम जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, ओके, ज्वर व्याधि का, वो हमारा टाइप्स है। ओके, तो टाइप ऑफ ज्वर व्याधि, दैट इज नथिंग बट द ज्वर के अलग अलग टाइप बताए गए। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डोसेज टाइप, ओके, ऐसे नंबर ऑफ टाइप्स बताए गए। ओके, तो लोकेशन वाइज यानी कि अधिष्ठान वेद, तो इट मे बी द बॉडी, इट मे बी द देह, इट मे बी द मानस। ओके, वही यहाँ पे लिखा गया, अधिष्ठान वेद से दो टाइप के होते हैं, शारीरिक ज्वर या फिर मानसिक ज्वर। ओके, शारीरिक ज्वर या फिर मानसिक ज्वर, बॉडी टेम्परेचर है इलेवेट हुआ है या फिर वहाँ पे मेंटल टेम्परेचर इलेवेट हुआ है, दोनों को हमें रिकॉग्नाइज करना है। दोनों को रिकॉग्नाइज करने का फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया। ओके, डोसेस टाइप होते हैं, ऐसे टोटल देर आर, हम ऐसा बोलते हैं कि देर आर टोटल 8 टाइप ऑफ ज्वर, अष्टो ज्वर। हाँ, ओके, तो वहाँ पे 8 टाइप के जो ज्वर होते हैं वो दो वेराइटी में हम डिफाइन करते हैं। एक तो डोसेस यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ जो दोष प्रिडोमिनेंस होते हैं उसके बेसिस पर, और जो नेक्स्ट जो वे होता है हमारा जो फैक्टर होता है एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अष्टो ज्वराहा दोषज ज्वर, और जो हमारा जो नेक्स्ट होता है आगंतुक ज्वर, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो व्याधि आती है। तो टोटल 60 जो टाइप होते हैं वो दोषज ज्वर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफज ज्वर, वात पित्त ज्वर, पित्त कफज, एंड देन वात कफज, एंड देन लास्टली जो सन्निपात ज्वर, यानी कि तीनों दोषों का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है उनको हम सन्निपात बोलते हैं। ओके, अगर तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ, फॉर रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्वर, ओके, तो उसको हम बोलते हैं सन्निपातिक ज्वर या फिर सन्निपात ज्वर। ओके, आगंतुक ज्वर जो होता है, जो लास्ट जो टाइप होता है अष्टो ज्वर का, तो आगंतुक ज्वर मतलब एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वहाँ पे कोई ज्वर व्याधि आ रही है। एक्सटर्नल फैक्टर मॉडर्न के एरिया में बोले तो यू नो दैट वहाँ पे पायरोजन एंटर किया, तो पायरोजन की हिस्ट्री मैंने बताई आपको कि वो इलेवेट करता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस को वहाँ पे इनके टेम्परेचर के जो फंक्शन का जो रेगुलेशन होता है, द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर को वो इम्बैलेंस करता है। ओके, तो ये अल्टीमेटली वहाँ पे अष्टो ज्वर के अंदर जो मॉडर्न ने बताया है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है बाय स्टडिंग दिस आगंतुक। ओके, आगंतुक मीन्स वहाँ पे जो एक्सटर्नल का जो फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर की जैसे। ओके, अभिशंकज ज्वर, अभिचारज ज्वर, अभिघातज ज्वर एंड अभिशापज ज्वर। ओके, अभिशंकज ज्वर मतलब होता है कि काम क्रोध, ओके, इतना भय, यानी कि काम क्रोध भय इत्यादि की वजह से जो वहाँ पे अगर कोई ज्वर व्याधि होती है, यानी कि पर्सन बहुत एक्सर्शन का काम कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति होता है बहुत गुस्सा वाला है, या फिर उसको हम डराते हैं, या फिर डर गया हो, तो इसकी वजह से व्याधि आती है, उसको हम बोलते हैं अभिशंकज ज्वर। अभिचारज ज्वर मतलब होता है कि अगर किसी ने मंत्र वगैरह ऐसा कुछ समथिंग ऐसा रहता है कि हाइपोथेटिकल रहता है कि किसी ने वहाँ पे मंत्र मणि जो भी ऐसा कुछ रहता है कि इसके थ्रू उसको कुछ दे दिया है, यानी कि पर्सन को यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि ये मणि ले लो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसको पर्सन को वहाँ पे ज्वर व्याधि हो सकती है। ओके, तो अभी
चार्ज मतलब होता है कि किसी के थ्रू लगाया जा सकता है एक ज्वर व्याधि, यानी कि जिसे हम ऐसा हम लेबल लैंग्वेज में टोना ऐसा हम बोलते हो, यानी कि दूसरे के थ्रू हमारे लगाया जा सकता है, तो उसको उसके जैसे भी एक व्याधि आ सकती है, यानी कि ज्वर व्याधि हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं अभिचारज ज्वर। अभिघातक ज्वर मतलब होता है कि दैट इज नथिंग बट अगर इसको ट्रॉमा लग गया है, यानी कि अगर वो गिर गया है या फिर अगर वो एक हाई एल्टीट्यूड से अगर वो जंप करता है या फिर कहीं उसको चोट लग गया है या फिर किसी ने उसको मारा है, तो इसके जैसे क्या होता है एक ज्वर व्याधि हो सकती है। यानी कि ये सभी जो बताया जा रहा है ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बाहर के थ्रू बाहर के हेतुओं के द्वारा ये यहाँ पे ज्वर व्याधि देखने को मिलता है। ओके, अभी शापज ज्वर मतलब होता है कि किसी ने इसको शाप दे दिया है, यानी कि या फिर इट मे बी द पेरेंट्स, ओके, इट मे बी अगर कोई वहाँ पे ऋषि मुनि है तो इनके थ्रू भी वहाँ पे अगर कोई वहाँ पे शाप दे देते हैं, कोई अगर वहाँ पे समथिंग ऐसा कुछ रहता है कि इसकी वजह से भी व्याधि आती है, उसको हम बोलते हैं अभी शापज ज्वर। ओके, तो ऐसे टोटल 5 एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, 5 फैक्टर होते हैं, 5 बाह्य हेतुओं के द्वारा यहाँ पे ज्वर व्याधि देखने को मिलता है। तो अभी शंकर ज्वर, अभी चारज ज्वर, अभी घातक ज्वर और अभी शापज ज्वर। ओके, जो टाइप थर्ड होता है इनका वे डिफाइन करने का, वो स्वभाव भेद यानी कि नेचर भेद से। तो नेचर भेद से मतलब सौम्य ज्वर या फिर आग्नेय ज्वर। सौम्य ज्वर जो होता है वो वात ज्वर, पित्त ज्वर और कफत ज्वर, जो भी ऐसे टोटल 7 वे जो मैंने बताया वहाँ पे उन पिछले साइड में, तो उनमें से वात ज्वर और जो कफत ज्वर होता है वो सौम्य ज्वर के अंतर्गत आते हैं, और जो हमारा जो आग्नेय ज्वर होता है, ओके, हमारा जो आग्नेय ज्वर होता है उनमें हम पित्त ज्वर को इंक्लूड करते हैं। अभी ये क्या होता है, सौम्य ज्वर मतलब होता है, सौम्य ज्वर में क्या होता है पेशेंट को या फिर जिसको ज्वर हुआ है, यानी कि सौम्य ज्वर अगर किसी पेशेंट को या फिर किसी पर्सन को हुआ है तो उसको डिज़ायर क्या होता है, उष्ण अभिप्राय है, मतलब उसको डिज़ायर होता है हॉट सब्सटेंस की, हॉट जो अगर कोई पेय है, हॉट अगर कोई आहार है तो उसको डिज़ायर होता है। लेकिन अगर आग्नेय ज्वर है यानी कि पित्त ज्वर है तो उसको डिज़ायर होता है शीत, यानी कि कोल्ड जो सब्सटेंस होते हैं कोल्ड, उसको आहार अच्छे लगेंगे, उसको जो कोल्ड जो वाटर्स होते हैं यानी कि ठंडे जितने भी वहाँ पे औषध या फिर आहार विहार ये सभी उसको अच्छे लगते हैं, यानी कि उसको ठंडे जो एसी जो रूम होता है उसको फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल रहेगा किसके लिए, आग्नेय ज्वर के लिए। लेकिन सौम्य ज्वर के लिए ये वहाँ पे फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जो ज्वर सौम्य ज्वर जो हुआ है वो वात ज्वर जो कफत ज्वर जहाँ पे होता है वहाँ पे शीत एक फैक्टर होता है, उसकी वजह से भी व्याधि आती है उसके, यानी कि जो ज्वर व्याधि होती है वो शीत गुण के वजह से भी वहाँ पे ज्वर व्याधि में इनका बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो वही यहाँ पे बताया गया है सौम्य ज्वर और आग्नेय ज्वर। ओके, जो टाइप 4 होता है इनको क्लासीफाई करने का, तो काल भेद होता है। ओके, तो नव ज्वर और जीर्ण ज्वर, मतलब अभी हमारा पुराना ज्वर है या फिर जीर्ण ज्वर है, ऐसा नॉर्मली बोलते हैं कि आयुर्वेद के अंदर ऐसा लिखा गया है कि फर्स्ट टू ट्वेंटी वन डे तक वहाँ पे जो ज्वर होता है किसी भी पेशेंट को या फिर किसी भी पर्सन को, उनको हम नव ज्वर बोलते हैं, यानी कि नया ज्वर, नया बुखार। ओके, जो हमारा आफ्टर दैट 21st डे यानी कि 21 डे जो व्याधि, जो अगर ज्वर कॉन्स्टेंट है, ज्वर अगर कंटिन्यू है, तो उनको हम बोलते हैं जीर्ण ज्वर, यानी कि जो ज्वर है हमारा जीर्ण हो चुका है, पुराना ज्वर हो चुका है, यानी कि पुराना बुखार हो चुका है। ओके, तो नव ज्वर यानी कि अभी रिसेंटली में आया हुआ है। ओके, और जो जीर्ण ज्वर होता है मतलब पुराना बुखार हो चुका है, पुराना ये ज्वर व्याधि हो चुकी है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स बताए गए। ओके, ज्वर व्याधि को डिफाइन करने के लिए ऐसे बहुत सारे टाइप्स बताए गए। ज्वर व्याधि अल्टीमेटली यू ऑल नो दैट टेम्परेचर एलिवेशन को ही हम ज्वर बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। ओके, तो जो ऐसा टाइप 5 जो बताया गया है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। ओके, तो इंटेंसिटी के बेस पे भी यहाँ पे बताया गया कि अंतर्वेगी एंड बहिर्वेगी ज्वर, ऐसे दो फर्दर मोर टाइप होते हैं ज्वर के, तो जिनको हम बोलते हैं अंतर्वेगी एंड बहिर्वेगी ज्वर। ओके, अंतर्वेगी ज्वर मतलब ये होते हैं कि इंटरनली बॉडी टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, लेकिन बाय टचिंग टू आउटर सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हम रिकोगनाइज नहीं कर सकते, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसको फीवर हुआ है। ओके,
बहिर्वेगी ज्वर होता है कि इंटरनली कोई टेम्परेचर हाई नहीं है, इंटरनली कोई एलिवेशन टेम्परेचर नहीं है, लेकिन जब हम पर्सन्स को या फिर कोई पेशेंट को जब टच करते हैं बाय आउटसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ओके, उसके स्किन के पार्ट को टच करते हैं, उसके बॉडी के पार्ट्स को टच करते हैं, सच एज एक्सिला रीजन, सच वहाँ पे जितने भी पॉपलेटल फोसा हो गया, ओके, वहाँ पे उसके स्टमक के रीजन को यानी एब्डोमिनल रीजन को टच करके हम रिकग्नाइज करते हैं कि इसको फीवर है, इसको ज्वर है, ओके. तो बहिर्वेगी ज्वर में होता है कि बाहर से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, बाहर टेम्परेचर हाई रहता है, इंटरनल जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो वहाँ पे कम होता है. अंतर्वेगी ज्वर में बाहर का टेम्परेचर कम होता है और इंटरनल जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है. इन दोनों में से जो हमारा डेंजरस जो वेराइटी का होता है वो अंतर्वेगी ज्वर होता है. अंतर्वेगी ज्वर जो ऐसा बताया गया है कि अंतर्वेगी ज्वर जब आता है तो उनमें से इनका जो कारण होता है वो स्रोत दृष्टि ही होती है. स्रोत दृष्टि मतलब वहाँ पे कोई स्रोत का दृष्टि जो होता है, जो कारण होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ओके. तो मेनली जो ज्वर व्याधि का जो कारण होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन ही रहता है, यानी कि वहाँ पे जो हम बोलते हैं कि भी मार्ग गमनम जो एक कारण होता है, यानी कि जब कोई भी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वहाँ पे कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है. अवरोध मतलब वहाँ पे उसको जो गति होती है किसी भी चैनल्स की, जो चैनल्स के अंदर जो मूवमेंट करते हैं, कोई भी धातु जो मूवमेंट करते हैं, जो दोष जो मूवमेंट करते हैं, जो न्यूट्रिशन का जो फ्लो होता है, ये सभी वहाँ पे हैम्पर हो जाते हैं. यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अवरोध, यानी कि उनको रुकावट मिल जाती है. तो स्रोत के अंदर रुकावट करके जो ज्वर प्रोड्यूस होता है उनको हम बोलते हैं अंतर्वेगी ज्वर. और जो बहिर्वेगी ज्वर जो होते हैं वो एक्सटर्नल पायरोजन के वजह से वो जो ज्वर आता है, या फिर नॉर्मल दूसरे व्याधियों के जो ऐसा सिम्टम जो ज्वर आता है उनको हम बोलते हैं बहिर्वेगी ज्वर. यानी कि एक्सटर्नली इनका टेम्परेचर हाई होता है लेकिन इंटरनल टेम्परेचर हाई नहीं होता है, ओके. तो अंतर्वेगी ज्वर और बहिर्वेगी ज्वर का मतलब वही होता है, दोनों ही त्रिदोष प्रधान ज्वर होते हैं, ओके. अंतर्वेगी ज्वर में यहाँ पे कुछ सिम्टम्स बताए गए जो कि हाई इन कंडीशन रहते हैं. अंतर्दाहम, अधिक तृष्णा, प्रलाप, श्वसन, भ्रम, ओके. अंतर यानी कि इंटरनली इनके टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बाहर में इनका टेम्परेचर नहीं होता है, ओके. अधिक तृष्णा यानी कि पेशेंट को अगेन एंड अगेन वहाँ पे थर्स्टीनेस, पेशेंट को अगेन एंड अगेन प्यास लगता है, ओके. प्रलाप मतलब पेशेंट बहुत ही वहाँ पे वो बोलने लगता है, ओके. प्रलाप मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन, एक्सेसिव वो बोलने लगता है, ओके. श्वसन मतलब होता है वहाँ पे ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथलेसनेस उसको फीलिंग होती है, डिस्पनिया उसको फीलिंग होती है, यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ओके. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, SOB, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग उसको ऐसा फील होता है, ओके. तो ये सभी जो फैक्टर जो होते हैं ये यहाँ पे ज़्यादा होता है, और ये सभी फैक्टर भी यहाँ पे बहिर्वेगी में भी देखे जाते हैं लेकिन माइल्ड या फिर मॉडरेट होते हैं, ओके. श्वसन भ्रम, भ्रम मतलब उसको गिडीनेस की फीलिंग आती है, उसको चक्कर की जैसी फीलिंग आती है, ओके. बहिर्वेगी ज्वर में भी यहाँ पे बताया गया है ये सभी फैक्टर जो होते हैं, अबोव फैक्टर जो मैंने बताया अभी, ये सभी फैक्टर बहिर्वेगी ज्वर में भी लेकिन उसमें माइल्ड रहते हैं, ओके. संतापो अभी अधिक है, तृष्णा दिनाम च मार्दवम, मार्दवम मतलब माइल्ड रहते हैं, ओके. तृष्णा दिनाम जितने भी यहाँ पे तृष्णा प्रलाप शोषण भ्रम, तृष्णा दिनाम तृष्णा आदि यानी कि तृष्णा प्रलाप शोषण भ्रम जितने यहाँ पे अंतर्वेगी में बताया ये यहाँ पे हाई कंडीशन में रहते हैं, हाई वहाँ पे SOB वहाँ पे रहता है, हाई गिडीनेस आता है लेकिन यहाँ पे माइल्ड में रहते हैं, ओके. दोनों ही त्रिदोष प्रधान ज्वर हैं जो हमारा असाध्य व्याधि के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसे हम डिफ़िकल्ट टू ट्रीट जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर नॉन क्यूरेबल जिसे हम बोलते हैं असाध्य, ये अंतर्वेगी के अंतर्गत आता है. और बहिर्वेगी हम इजीली क्यूरेबल होता है, ये इजीली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ओके. जो टाइप 6 होता है इनको क्लासिफाई करने का, ये आश्रय व्यय से होता है, यानी कि ज्वर हमारा किन धातुओं में आश्रय रह चुका है, ओके. अगर वो रस धातु के अंदर पहुँच चुका है तो उनको हम बोलते हैं रस धातु गत ज्वर, ओके. ऐसे टोटल 7 टाइप होते हैं ज्वर के, रस धातुगत ज्वर, रक्त धातुगत ज्वर, देन मांस धातुगत ज्वर, तो टोटल ऐसे शुक्र धातुगत ज्वर, यानी कि किन धातु में वो ज्वर आश्रय है उनको हम बोलते हैं आश्रय भेद से ज्वर, ओके. तो अभी हम निदान देखेंगे कि क्या इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर है, ज्वर कैसे वो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर आया, ओके. तो इटियोलॉजिकल फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर ज्वर व्याधि, ओके. तो इनका जो फर्स्ट फैक्टर होता है मिथ्या आहार विहार, मिथ्या आहार विहार मतलब
एबनॉर्मल फूड एंड एक्टिविटी। एबनॉर्मल फूड एंड एक्टिविटी मीन्स मिथ्या मतलब कुछ हटके, कुछ अलग। तो कुछ अलग मतलब पर्सन वहाँ पे कुछ अलग ही आहार ले रहा है, उसके लिए जो बेनिफिशियल नहीं है उसको हम और साथ में टर्मिनोलॉजी देते हैं। मिथ्या मतलब होता है कुछ अलग ही ले रहा है, यानी कि नॉनवेज लेने वाला, सॉरी वेज जो लेता है वो नॉनवेज लेने लगा ड्यू टू वहाँ पे फ्रेंड सर्कल में, या फिर कुछ समथिंग ऐसे ड्यू टू स्ट्रेस, या फिर ड्यू टू अगर फोर्स कर रहे हैं तो। यानी कि मिथ्या मतलब कुछ अलग, तो मिथ्या आहार विहार की वजह से एक फैक्टर हो सकता है, इसका एक हेतु का यानी कि कारण हो सकता है ज्वर व्याधि का। ओके, इम्प्रॉपर पंचकर्म। इम्प्रॉपर पंचकर्म मतलब जो पंचकर्म यानी फाय ऑपरेटिव थेरेपी हमारे आयुर्वेद के अंदर बताई गई, वमन विरेचन, आस्थावर बस्ती, निरोह बस्ती एंड नस्य कर्म यानी शिरो विरेचन। ये जो पांच कर्म होते हैं पंचकर्म इन्हीं को हम बोलते हैं। तो अगर इनका प्रॉपर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर इनका वे अगर फॉलो नहीं किया गया तो इसकी वजह से भी हमें ज्वर व्याधि देखने को मिल सकता है। ओके, ट्रॉमेटिक इंजरी, अगेन उसको कोई ट्रॉमा लगा है, या फिर वो जंपिंग किया है किसी ने, या फिर वो खुद ओन जंप किया है एक हाई एल्टीट्यूड से, या फिर कोई ट्रॉमा लगा है एक्सटर्नली किसी ने अगर उसको मारा है, या फिर वो खुद गिर गया है, या फिर बाय एक्सीडेंट। ओके, तो यानी कि ट्रॉमेटिक इंजरी से वहाँ पे व्याधि हो सकती है जिसे हम ज्वर बोलते हैं। ओके, केमिकल पॉइजनिंग ड्यू टू एनी ड्रग भी हो सकती है। ओके, काम क्रोध भयादि मनोविकार। ओके, तो मेंटल अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे भी काम अगर एग्जर्शन ज़्यादा काम कर रहा है, क्रोध भय इन सभी से भी ज्वर व्याधि हो सकती है। ओके, तो इन्हीं का जो ओबेइंग यानी कि इन्हीं का जो ओबे करता है कौन, हमारा जो रुद्र प्रकोप। ओके, जो मैंने जस्ट स्टार्टिंग ऑफ ज्वर व्याधि के एक्सप्लेन करते समय मैंने बताया था कि रुद्र प्रकोप की वजह से जो ज्वर व्याधि होती है, रुद्र प्रकोप इसलिए था क्योंकि वो बहुत ही क्रोध कंडीशन में थे। ओके, तो वही यहाँ पे अल्टीमेटली बताने का मतलब है कि काम क्रोध भय आदि मनोविकार से भी ज्वर व्याधि हो सकती है, ये कारण हो सकता है ज्वर व्याधि का। ओके, तो वाया साइकोलॉजिकल फैक्टर इट में भी अराइज एट ज्वर व्याधि। ओके, और साथ में आहार विहार जो व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, जो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसके वजह से भी हमारा ज्वर व्याधि हो सकता है। ओके, अब हम संप्राप्ति को यहाँ पे डीलिंग करेंगे। संप्राप्ति इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डिस्कस इन ज्वर व्याधि। ओके, इन्हीं की वजह से हमारा जो ज्वर व्याधि होती है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, ये साइकिल होता है, ये पाथ होता है, ये प्रोसेस होता है, इन्हीं के द्वारा ज्वर व्याधि प्रोड्यूस होता है। ओके, तो मिथ्या आहार विहार अभ्याम दोषा ही आमाशय आशिरा बही निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वर यदा रसानुगम। ओके, एक एक लाइन का एक एक वर्ड की हम मीनिंग देखेंगे। मिथ्या आहार विहार अभ्याम, मिथ्या आहार विहार अभ्याम मतलब जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने कारण बताया, जो निदान बताया। ओके, इन्हीं कारणों की वजह से क्या होता है, दोषों का प्रकोपित होता है, दोष विशेष उठते, दोषों की दृष्टि होती है। दोषों की दृष्टि हो जाने के बाद क्या होता है, वो आमाशय में इनका स्थान यानी कि आमाशय में वो जाकर जो पाचक पित्त होती है, जो पाचक अग्नि होती है, वो उनको दृष्टि करते हैं। और दृष्टि करने के बाद क्या, वही यहाँ पे लिखा है वही निरुष्य कोष्ठाग्नि, दृष्टि करने के बाद वो उनके लोकेशन से वो उनको हटा देते हैं, वो उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये सभी साइकिल के थ्रू आप जब देखोगे तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो कोष्ठाग्नि ज्वर है रसायनिक। ओके, तो एक एक स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो बाय कंजप्शन ऑफ हेतु सेवन, हेतु सेवन से क्या होता है, हेतु सेवन क्या है, मिथ्या आहार विहार आदि जितने भी फैक्टर जो मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में, इनके कारणों के से क्या होता है, दोषों का प्रकोपित होता है, दोषों विशेषेड होते हैं, दोषों प्रकोपित इसे हम बोलते हैं। ओके, दोष प्रकोपित जब हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, रीचेस टू आमाशय। ओके, स्टमक रीजन में वो लोकेटेड हो जाते हैं यानी कि वो पहुंच जाते हैं, स्थान संचय हो जाते हैं यानी कि इनका अब आमाशय में वो पहुंच जाते हैं। आमाशय में पहुंच जाने के बाद क्या करते हैं, वो अग्निमान दे यानी कि पाचक अग्नि जो होती है, जो जठर अग्नि जो होती है और पाचक अग्नि होती है, जठर अग्नि जो होता है सॉरी जो पाचक अग्नि होती है वो जठर अग्नि की हेल्प करता है, यानी कि जठर अग्नि प्रॉपर तरीके से अपना भोजन जो आया हुआ जो भोजन है आमाशय के अंदर स्टमक के अंदर वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर सके, तो पाचक अग्नि उसमें हेल्पफुल फैक्टर होता है। ओके, तो पाचक अग्नि की दृष्टि हो जाती है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर जो हमने आहार लिया है, जो मिथ्या आहार विहार जो बताया हुआ। ओके, तो जो दोष विशेषित हुए, दोषों के विशेषण की वजह से क्या होता है, पाचक अग्नि यानी कि
जो पाचक पित्त होता है, जो हेल्पफुल फैक्टर होता है जठर अग्नि के लिए, वो वहाँ पे मंद हो जाती है, अग्नि मंद हो जाता है वहाँ पे। ओके, पाचक अग्नि की दृष्टि हो जाती है एंड ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, भोजन अनेबल टू डाइजेस्ट। ओके, वहाँ पे भोजन जो होता है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, आहार नॉट प्रॉपर डाइजेस्टेड। ओके, एंड नॉट प्रॉपर डाइजेस्टेड और यू कैन से दैट अगर कोई फूड अगर वहाँ पे डाइजेस्ट भी हो रही है ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ वहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो जो वहाँ पे अल्टीमेटली जो रिजल्ट बन रहा है, ओके, अल्टीमेटली जो फूड का जो प्रोसेस हो रहा है उनको हम बोलते हैं आम। ओके, दैट इज कॉलेज आम। आम की उत्पत्ति मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हम बोलते हैं आम की उत्पत्ति। ओके, आम की उत्पत्ति के बाद क्या होता है, ये आम जो होते हैं ये जो एंडोटॉक्सिन होते हैं, ओके, अल्टीमेटली जो मैंने बताया जो ज्वर व्याधि होती है एज अ मॉडर्न के जो उनका जो वे होता है बताने का, वो बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से क्या होता है ज्वर व्याधि हो सकती है, लेकिन आयुर्वेदा बिलीव दैट इट मे बी अराइज ड्यू टू दैट इंटरनली एज वेल, द इट मे बी द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्वर इंटरनली। ओके, इंटरनली मे बी द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्वर, दैट इज नथिंग बट द आम, दैट इज वहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि ये एंडोटॉक्सिन है और यही जो होता है ये इंटरनल एंटीजन वहाँ पे ऐसा हो सकता है जो कि हाइपोथैलेमस को वो रेगुलेट करता हो, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता हो और टेम्परेचर एलिवेट होता हो, ऐसा वहाँ पे हम बोल सकते हैं, ऐसा आप अंडरस्टैंड करने के लिए आप समझ सकते हो। ओके, लेकिन जो आम की उत्पत्ति हुई वो बाय हर्ट यानी कि हृदय के द्वारा यानी कि हर्ट के द्वारा वो आम की उत्पत्ति पूरे बॉडी में उसका संचार होता है, पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होता है, दैट इज सर्कुलेटेड इन होल बॉडी। ओके, और सर्कुलेट होने के बाद क्या होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, ओके, यानी कि अवरोध उत्पन्न कर दे, कहाँ पे, रसवह सिरा यानी कि रसवह स्रोतस में और श्वेदवह स्रोतस के अंदर होते हैं, और अल्टीमेटली इससे जो व्याधि उत्पन्न होती है उनको हम बोलते हैं ज्वर व्याधि। ओके, तो अल्टीमेटली वही यहाँ पे लिखा गया है, मिथ्या आहार विहार अभ्याम दोषा ही आमाशय आश्रहा, आहार विहार लेने की वजह से, विशिएटेड आहार विहार लेने की वजह से, नहीं लेना चाहिए वो आहार विहार लिया हमने, इसके वजह से दोषों का प्रकोपित हुआ, दोष विशेषण हुआ, दोष विशेषण जो थे वो आमाशय में जाते हैं जहाँ पे फूड का डाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे वो पहुँचने के बाद क्या करते हैं, जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल फैक्टर होता है उसी को वो अनहेल्पफुल फैक्टर कर देते हैं यानी कि उनकी दृष्टि कर देते हैं। ओके, उनको हम बोलते हैं पाचक अग्नि की दृष्टि हो गई। ओके, अल्टीमेटली पाचक अग्नि जब दृष्टि हो जाती है तो आहार प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, आहार जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है उनको हम बोलते हैं आम। ओके, अल्टीमेटली ड्यू टू लेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ HCl, ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ओके, जो भी कुछ फैक्टर होते हैं मॉडर्न से अगर आप रिजम्बल करो तो, इसलिए मैं आपको अगेन वहाँ पर बता रहा हूँ कि आप वहाँ पर को रिलेट कर सके। ओके, तो जो एंडोटॉक्सिन यानी कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी के अंदर बना, अल्टीमेटली वो भी वेंस के थ्रू अब्जॉर्ब होगा, वो भी लीवर के पास जाएगा, वो भी देन अगेन लीवर टू हर्ट के पास जाएगा, एंड अल्टीमेटली जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो भी हर्ट के थ्रू पंप होके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। ओके, हर्ट के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा और सर्कुलेट होने के बाद वो जब वो रसवह सिरा यानी कि रसवह स्रोतस के अंदर और जब वो श्वेदवह स्रोतस के अंदर जब वो जाएगा वहाँ पे वो अवरोध यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन को प्रोड्यूस करेगा और वहीं पे जो व्याधि आती है उनको हम बोलते हैं ज्वर व्याधि। अभी यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन आया है, जो अवरोध उत्पन्न हुआ है, इनके वजह से ज्वर व्याधि क्यों हुई अभी यहाँ पे आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर श्वेदवह स्रोतस के अगर कोई वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो जो इंटरनली और जो एक्सटर्नली जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन होता है वो अनडिस्टर्ब हो जाएगा। अनडिस्टर्ब मतलब श्वेद जो होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करने का एक फैक्टर होता है। ओके, इंटरनली अगर टेम्परेचर हाई है उसको बाय स्वेटिंग, ओके, तो वो वहाँ पे मेंटेन करता है बाय स्वेटिंग, वो टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। ओके, तो अगर इंटरनली स्वेद का जो स्वेद जो होते हैं इनका प्रोडक्शन रुक गया है बाय एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बाय एनी रुकावट, तो होगा क्या, स्वेद जो होता है जो स्वेटिंग होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, और स्वेटिंग प्रोड्यूस नहीं होगी तो अल्टीमेटली बैलेंस जो होता है टेम्परेचर का वो इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा,
विद द इन्वायरमेंट। ओके, तो स्वेटिंग के वजह से ही इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो दोनों के अंदर सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। ओके, लेकिन जब स्वेटिंग ही प्रोड्यूस नहीं होगा ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू एनी अवरोध, ड्यू टू एंडोटॉक्सिन, ओके, तो वहाँ पे बॉडी के अंदर जो इंटरनली वहाँ पे टेम्परेचर हाई होते रहता है और वहाँ पे ज्वर व्याधि देखने को मिलता है। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया था नेक्स्ट लाइन में कि वही निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वर यदा रसानुभव, तो वो पाचक अग्नि को दुष्टि करके अपने साथ, ओके, जो दोष विशेटेड हुए रहते हैं वो जो फूड जो हमारा डाइजेस्ट होने वाला है उसके साथ पाचक अग्नि को, जो पाचक पित्त होती है, जो पाचक अग्नि होती है उसके साथ वो उसको मिला देते हैं। और अल्टीमेटली जब फूड का डाइजेशन होता है तो इनका भी वहाँ पे नॉट डाइजेशन, जब इनका अब्जॉर्प्शन होता है इनका भी अब्जॉर्प्शन होता है और इनका भी पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। एंड पाचक अग्नि ये एक फायर है, ओके, एक पर्टिकुलरली वहाँ पे अग्नि है, इन अग्नि का भी वहाँ पे सर्कुलेशन होता है और अल्टीमेटली स्वेदवय स्रोतस की दृष्टि हो गई और रसवय स्रोतस की दृष्टि की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर का रेगुलेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है और ज्वर व्याधि वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये सभी मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, इन्हीं की वजह से ज्वर व्याधि होती है। संप्राप्ति इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंड्यूसिंग और प्रोड्यूसिंग एनी डिसीज दैट इज कॉल्ड ज्वर। ओके, अभी हम यहाँ पे पूर्ण रूप देखेंगे ज्वर व्याधि आने से पहले पेशेंट के अंदर क्या क्या हम देखने को देख सकते हैं कि पेशेंट को ज्वर व्याधि आने वाला है। ओके, द पूर्ण रूप ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्वर व्याधि, तो इसके लिए एक श्लोक दिया गया है, श्रमो अरति विवरणत्वम वैरस्वम नयन प्लवः इच्छा द्वेषो मुहुष्यपि शीतवात आतप आदिषु त्रिम्बा अंगमर्दो गुरुता रोम हर्ष अरुचिस्तम अप्रहर्षश्च शीतम च भवति। देन अगेन ऐसा कुछ श्लोक है कि भवति अति पतस्यति ज्वरे। ओके, ऐसा आप रीड आउट कर सकते हो श्लोक को, श्रमो अरति विवरणत्वम। ओके, श्रमो अरति मतलब एक, अगर वो छोटा सा भी अगर काम करता है इसके वजह से भी अगर वो एग्जर्शन, बॉडी एग्जर्शन उसको ऐसे वो मान लेता है, अगर बाय डूइंग स्मॉल वर्क वहाँ पे एग्जर्शन, बॉडी ऐसा सोचता है कि एग्जर्शन का उसने काम किया। ओके, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। ओके, तो वहाँ पे पर्टिकुलर अगर कोई पर्सन है तो अगर थोड़ा सा भी काम करता है तो होगा क्या, वो थोड़े से काम करने के बाद भी वो क्या करता, सोचता है उसको कि वो थकावट का महसूस होना, यानी कि उसको एग्जर्शन का उसने काम किया, यानी कि बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। बाय डूइंग स्मॉल वर्क वहाँ पे उसको थकावट महसूस होने लगता है। ओके, तो वो यहाँ पे लिखा है श्रमो अरति विवरणत्वम, स्किन का जो कलरेशन होता है वहाँ पे डिसकलरेशन हमें देखने को मिलता है, यूरिन का डिसकलरेशन होता है, जो फिट जो वहाँ पे फीकल जो मटेरियल होते हैं जहाँ पे फीसेस जिसे हम बोलते हैं इनमें भी डिसकलरेशन को देखने को मिलता है। वैरेशियम नयना पलवा मतलब, वैरेशियम मतलब होता है जो टेस्ट होता है, ओके, वो वहाँ पे चेंज हो जाता है, यानी कि बिटर टेस्ट में जितने भी वो फूड लेता है पर्सन जिसको ज्वर होने वाला है वो सब बिटर टेस्ट के लगने लगते हैं, यानी कि अगर आप मिठाई दोगे या स्वीट्स दोगे तो उसको भी वो बिटर टेस्ट यानी कि कड़वा लगेगा। ओके, नयना प्लव मतलब उसको बर्निंग सेंसेशन, नेत्र में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। ओके, इच्छा द्वेषो, जो उसको पहले डिज़ायर था ये वेजिटेबल्स, ये उसको डिज़ायर था, फैन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी वो अनडिज़ायर में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो अगर डिज़ायर अनडिज़ायर में कन्वर्ट हो रहा है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ज्वर व्याधि आने वाली है। ओके, मुहुष्यपि शीतवात आतप आदिषु। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि पहले अगर कोई पर्सन को फ़ैन की रिक्वायरमेंट थी, फ़ैन डिज़ायर था, बिना वो फ़ैन के वहाँ पे एक भी मिनट अगर वहाँ नहीं रह सकता। ओके, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसको ज्वर व्याधि आने वाली है और ज्वर व्याधि का आप सब जानते हो कि वहाँ पे वो फ़ैन से फियर होता है, फैन से जो ज्वर वाला जो पेशेंट होता है वो फैन से उनको डर लगता है। ओके, तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है शीतवात आतप आदिषु। ओके, तो वहाँ पे शीत मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर, कोल्ड फूड उनको अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो ये सभी क्यों नहीं अच्छे लगते, क्योंकि इनका जो मेन कारण होता है जो वो ज्वर व्याधि का, वो वहाँ पे शीत वात ये सभी मेन वहाँ पे कारण होते। ओके, जिरंबा मतलब यॉनिंग आने लगती है, पेशेंट बहुत यॉनिंग में वहाँ पे
वो महसूस करता है। अंग मर्दम मतलब बॉडी है, गुरुता हैवीनेस, रो महर्ष मतलब जितने भी बॉडी हेयर्स होते हैं ओके वो उनमें एक इरिटेशन या फिर वो खड़े हो जाते हैं ओके इलेवेट हो जाते हैं। अरुचि मतलब लॉस ऑफ अपेटाइट, अप्रहर्षस्य शीतम च भवति, अति अपत्य स्थिति ज्वरे ओके ऐसा समथिंग यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो ओके। तो अप्रहर्षस्य मतलब उसको अभी वो अपने आप को सुखी महसूस नहीं कर रहा ओके, वही यहाँ पे लिखा अप्रहर्षस्य ओके। तो पूर्व रूप जो है मसल क्रैम्प हो गया, उसके ग्रिडीनेस, डिसकलरेशन, अपोजिट जो टेस्ट होते हैं वो सभी, यानी कि एक दूसरा ही टेस्ट आ रहा है उसको, नेत्र बर्निंग प्रॉब्लम या फिर डिजायर लॉस है, जो पहले उसको अच्छा लगता था अभी नहीं अच्छा लग रहा है, बॉडी एक अंग मर्द है ओके, हैवीनेस, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है, यॉनिंग आ रही है, जिम्बा आ रहा है। तो अगर ये सभी आ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि पेशेंट इज नाउ वो फर्दर स्टेज में जाने वाला है ऑफ ज्वर ओके। जो ये ज्वर का मेन लक्षण होता है, ज्वर व्याधि आने के बाद पेशेंट को हम देखते हैं, स्वेद अवरोध संताप सर्वांग ग्रहणनम तथा युगपत अत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते ओके, व्यपदिश्यते ओके। तो स्वेद अवरोध मतलब जहाँ पे स्वेटिंग का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, संताप बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया है, सर्वांग ग्रहणनम ओके बॉडी में सभी जगह टेम्परेचर बढ़ गया है, बॉडी के सभी पार्ट्स हैवीनेस फील कर रहे हैं, तो ये सभी जहाँ पे दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ज्वर व्याधि बोलते हैं। युगपत अत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते ओके। तो रूप मतलब मेन सिम्टम्स ऑफ ज्वर, ब्लॉकेज ऑफ स्वेद वह शिरा ड्यू टू आम ओके, आम मतलब एंडोटॉक्सिन ओके, एंड टेम्परेचर राइजेस, बॉडी एक ओके, ये सभी अगर वहाँ पे रहेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, हैवीनेस। अगर ये सभी वहाँ पे दिखाई दिए तो यानी कि पेशेंट को ज्वर व्याधि हो चुकी है, ऐसा हमें समझना चाहिए ओके। जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है ओके, रिजल्ट मतलब कौन कौन से दोष, कौन कौन से दूष्य, कौन सी शिराएं, कौन सी जो अधिष्ठान है, कौन दो दो जो दोष प्रकोपित था वो कौन से अपने मार्ग में गया ओके। तो अल्टीमेटली वही यहाँ पे बताने का रिजल्ट मोटिव है मेरा, दोष मतलब कौन से दोष का विशेषण हुआ, अल्टीमेटली वातादि दोष जितने भी तीन दोष होते हैं, वात पित्त कफ, इनका विशेषण होता है, लेकिन यहाँ पे मेनली पाचक पित्त का विशेषण हुआ, पाचक पित्त की दृष्टि होती है ओके। दुष्य जो होता है रस धातु की दृष्टि होती है, अधिष्ठान है वो सर्व शरीर, अल्टीमेटली जो आम जो बना था वो पूरे बॉडी में ही सर्कुलेट होता है बाय हार्ट, बाय पंपिंग एक्शन ओके बाय हार्ट, तो पूरे बॉडी में ही सर्कुलेट होता है, इसलिए सर्व शरीर अधिष्ठान बताया गया, यानी कि लोकेशन है। उद्भव स्थान कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, वो आमाशय से स्टार्ट होता है ओके। स्रोतस की विकृति, कौन से स्रोतस की विकृति होती है, ये रस एंड स्वेद व स्रोतस की विकृति होती है, इनमें ही ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है ओके। कौन से स्रोतस की दृष्टि होती है, वो संगो, स्रोतस दृष्टि के ऐसे बहुत सारे टाइप बताए गए, अति प्रवृत्ति संगो व शिरोनाम ग्रंथे वपिवा, यानी कि कोई अगर वहाँ पे ट्यूमर बना है या फिर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या फिर वहाँ पे अति प्रवृत्ति ओवर सिक्रीशन हो रहा है या फिर वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जो फ्लो हो रहा है वो अपोजिट फ्लो होने लगा, यानी बीमार गमनम, तो इन सभी में से जो हमारा स्रोत दृष्टि का जो टाइप होता है वो संगो है, यानी कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है ओके। पैथोजेनिसिटी मतलब ये रहती कि जो हमने वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर, वात पित्त ज्वर, कफ सॉरी पित्त कफ ज्वर और वात कफ ज्वर जो हमने रीड आउट किया, इनमें से कौन सी व्याधि ठीक होने वाली रहती है, कौन सी व्याधि ठीक नहीं होने वाली रहती है, और कौन सी व्याधि सॉरी व्याधि व्याधि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा अलग अलग व्याधि नहीं है, ज्वर के टाइप हैं ओके। तो कौन से टाइप ऑफ ज्वर ठीक होगा जल्दी, कौन से टाइप ऑफ ज्वर डिफिकल्ट टू ट्रीट, एंड कौन सा जो टाइप है वो अनट्रीटेबल है, यानी कि उसको ठीक ही नहीं किया जा सकता ओके। तो साध्य जो होता है वो साध्य के अंतर्गत, यानी कि जिसे हम ठीक कर सकते हैं, उसमें तीन आते हैं, वात ज्वर, पित्त ज्वर एंड कफ ज्वर। जो कष्ट साध्य होते हैं उनको हम द्विदोषज बोलते हैं, यानी कि वात पित्तज, पित्त कफज और वात कफज ओके। असाध्य व्याधि के अंदर जो आते हैं वो त्रिदोषज व्याधि आते हैं, त्रिदोषज यानी कि तीनों दोषों का जहाँ पे प्रीडोमिनेंस होता है उनको हम बोलते हैं त्रिदोषज प्रधान ज्वर ओके। तो वो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होते हैं या फिर इनक्यूरेबल होते हैं, यानी कि उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता ओके।
यानी कि वो जीर्ण हम उनको कंसीडर कर सकते हैं, ओके, यानी कि क्रॉनिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फीवर हमें देखने को मिलता है, उन्हीं को हम बोलते हैं असाध्य व्याधि, यानी कि त्रिदोषज प्रधान ज्वर, ओके। तो अगेन एंड अगेन वहीं यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो दैट इज रिगार्डिंग अवर ज्वर व्याधि। हम नेक्स्ट क्लास में पांडु व्याधि देखेंगे, अनीमिया जिसे हम बोलते हैं। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट होल वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्वर व्याधि। ज्वर अल्टीमेटली इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्त्रोतस दृष्टि, जो स्त्रोत की दृष्टि होती है उनमें से मेन स्त्रोत जो होता है रसवय स्त्रोत की दृष्टि, एंड जो रसवय स्त्रोत की दृष्टि का जो कारण होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ओके। तो गुरु शीत अति स्निग्धम अति मात्रम समस्तातम रसवाहिनी दुष्यंती चिंता नमति चिंतनम। अल्टीमेटली रसवय स्त्रोत की दृष्टि होने जाने के बाद वहाँ पे अगर अल्टीमेटली वहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है वो वहाँ पे ज्वर व्याधि आती है, ओके। तो रसवय स्त्रोत की दृष्टि हो जाने के बाद वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो वहाँ पे हैम्पर हो जाता है, और जो जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन जो रिक्वायरमेंट होती है वो उनमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो पाता, ओके। तो अल्टीमेटली वहाँ पर बॉडी एक हैवीनेस ये सभी कंडीशन हमें देखने को मिलता है, ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर होल रोग, दैट इज कॉल्ड एज अ होल ज्वर व्याधि, ओके। अल्टीमेटली किसी भी व्याधि को डिस्कस करते समय संप्राप्ति जो होती है उसकी संप्राप्ति को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रीड आउट करना चाहिए, क्योंकि यही फैक्टर होता है, यही मेन फैक्टर होता है किसी भी व्याधि को प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर टूडेज क्लास। थैंक यू।